जो सैफ फिल्म कॉकटेल के एक सॉन्ग में खुद अपनी जवानी का मजाक बनाने से नहीं चूके, उन्हें रिपोर्टेडली एक ब्रांड के ऑफर ने नाराज कर दिया, क्योंकि उस ब्रांड ने उन्हें एक बड़ी इंडोर्समेंट डील का ऑफर तो दिया, लेकिन प्रोडक्ट का नाम सुनते ही सैफ को आ गया जमकर गुस्सा। जी हाँ, ये किस्सा उन्हीं सैफ को रिसेंटली ऑफर की गई एक बड़ी इंडोर्समेंट डील का है, जो हमेशा माचो बने रहते हैं। उन्हें ऑफर किए जाने वाली हर एक ब्रांड एंडोर्समेंट डील को बड़े आराम से और पूरे रॉयल अंदाज के साथ पूरा करते हैं, लेकिन सुनने में आया है कि उन्हें रिसेंटली जब एक रिंकल फ्री क्रीम के ब्रांड ने अप्रोच किया तो सैफ ने अपना कूल खो दिया। दरअसल वो ब्रांड सैफ को मुंह मांगी कीमत तक ऑफर करने के लिए तैयार था, बदले में सैफ को उनके एक प्रोडक्ट जो कि एक रिंकल फ्री क्रीम है उसे प्रमोट करना था, लेकिन सोर्सेज की माने तो सैफ ये ऑफर सुनते ही भड़क गए। रिपोर्टेडली सैफ का गुस्सा इस बात पर था कि जब उनसे भी ज्यादा उम्र वाले स्टार्स बॉलीवुड में हैं, तो उन्हें ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए अप्रोच क्यों किया जा रहा है, लिहाजा सैफ ने ब्रांड को स्ट्रिक्टली रिफ्यूज कर दिया। लेकिन बात यहाँ खत्म होने की बजाय यहाँ से सैफ की बात को लेकर एक नई कहानी शुरू हो सकती है कि आखिर वो कौन से स्टार्स हैं जो सैफ से भी ज्यादा उम्र के हैं, वो कौन से स्टार्स हैं जिनकी एज इतनी हो गई है कि वो अगर किसी रिंकल फ्री क्रीम को एंडोर्स करते हैं तो बात जस्टिफाइड लगेगी। क्या वो सलमान खान हैं जिनकी बढ़ती उम्र और चेहरे पर रिंकल्स की तरफ सैफ इशारा कर गए? जी हाँ, याद मत दिलाओ मुझे ये। या फिर वो अक्षय कुमार हैं? पागल तो नहीं है तू? वैसे सैफ का इशारा अगर आमिर खान की तरफ हो तब भी कोई ताज्जुब की बात नहीं। I never had any objections to it. क्योंकि आमिर भी उनसे सीनियर ही तो हैं। वेल, इसका ठीक ठीक जवाब तो शायद सैफ ही दे सकते हैं कि उनका इशारा कौन से स्टार्स की तरफ था, लेकिन सैफ ने उस रिंकल फ्री क्रीम की एंडोर्समेंट डील को नो कहकर इस बात की तरफ पक्का इशारा तो कर ही दिया है कि वो बाकी सीनियर स्टार्स के मुकाबले खुद को काफी वाइटल मानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई।